एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप भी मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मेडिकल कोर्स BDS के बारे में। BDS के बारे में बात करेंगे और BDS क्या होता है, इनकी एलिजिबिलिटी क्या है और एडमिशन प्रोसेस क्या है, नीट एग्ज़ाम निकालना पड़ता है, नीट में कितने मार्क्स होने चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए, फीस कितनी है इनकी, ड्यूरेशन क्या है और लास्ट में देखेंगे इनके जॉब प्रोफाइल क्या है, ये कोर्स करने के बाद आपको कहाँ जॉब लग सकती है, कितने पैसे आप कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहे इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए BDS कोर्स क्या है इनके बारे में बात करेंगे। BDS कोर्स एक मेडिकल डिग्री कोर्स है जो कि दांतों से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को हल करता है और साथ ही रिप्लेसमेंट, दांतों को रिप्लेसमेंट या दर्द यानी दंत चिकित्सा से जुड़ी हुई समस्या की जानकारी इस कोर्स में दी जाती है। BDS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये एक बैचलर कोर्स है जो 4 साल 5 साल की होती है। 4 साल इनका कोर्स का अवधि होता है, 4 साल पढ़ाया जाता है और 1 साल इंटर्नशिप होता है, 1 साल इनका प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग BDS में जानेंगे योग्यता के बारे में, एलिजिबिलिटी क्या है। तो योग्यता ये है कि 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ पास होना चाहिए या 12th अपीयरिंग भी है। अपीयरिंग मतलब जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं वो भी पहले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एडमिशन प्रोसेस क्या है इनकी हम लोग बात करेंगे। एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो 12th पास होने के साथ साथ आपका नीट एग्जाम क्वालिफाई होना बहुत ही जरूरी है। तो नीट एग्जाम क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है तभी आपका BDS में एडमिशन हो सकता है। तो नीट में कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा BDS में, और नीट में कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, तो हम बात करेंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कम से कम नीट में आपका 450 मार्क्स होने चाहिए, प्राइवेट कॉलेज में 250 से 420 के मार्क्स अगर है तो भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन आपका हो सकता है, लेकिन नीट क्वालिफाई होना चाहिए कम से कम 50% से। अब हम बात करेंगे इनके फीस के बारे में। तो फीस 6 लाख से 25 लाख के बीच है, वो डिपेंड करता है कॉलेज पे, आप किस कॉलेज में एडमिशन कराते हैं। प्राइवेट कॉलेज बड़ा कॉलेज है तो वहाँ ज़्यादा फीस लगेगा। तो कुछ प्राइवेट कॉलेज का नाम है जहाँ आप कम फीस में BDS कर सकते हैं। पहला दिव्य ज्योति डेंटल कॉलेज मोदी नगर उत्तर प्रदेश, दूसरा जेनेसिस डेंटल कॉलेज फिरोजपुर पंजाब, तीसरा नेशनल डेंटल कॉलेज चंडीगढ़, चौथा है सुधा रस्तोगी डेंटल कॉलेज फरीदाबाद, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके ड्यूरेशन का। तो ड्यूरेशन बता दें कि ये कोर्स 5 वर्ष की होती है, 4 वर्ष पढ़ाई होती है और 1 वर्ष इंटर्नशिप होती है। प्राइवेट कॉलेज में इंटर्नशिप के दौरान भी आपको 15,000 से 40,000 स्टाइपेंड के रूप में मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी BDS कोर्स के बारे में, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।